www.alinamonmoon.com। इस जगमगाते चांद ने शैतान और उसकी पार्टी के लिए क्या आग लगा दी है। चांद पर इमाम अली का नाम हर जीवित प्राणी पर चमक रहा है जो उन्हें सही रास्ते की याद दिलाता है। इमाम अली का नाम चांद पर लिखा है और मुसन्निफ अली रिज़वी ने चांद पर इमाम अली के नाम के बारे में 370 सफहात पर मुश्तमिल किताब लिखी है। ये किताब अंग्रेज़ी में है लेकिन गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए आसानी से उर्दू ज़बान में तर्जमा की जा सकती है। किताब का नाम है चांद की निशानी नाजिल हो गई, इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। चांद पर इमाम अली का नाम अल्लाह की फ़तह का झंडा है। किताब www.alinamonmoon.com से डाउनलोड की जा सकती है। चांद पर इमाम अली के नाम के हवाले से कराची पाकिस्तान में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल वीडियो YouTube पर उर्दू ज़बान में देखी जा सकती है। अल्लाह ने अपना झंडा कहाँ रखा ताकि तमाम मखलूक उसे देख सके। कुरान की सूरा 16 आयत 16, और झंडों और सितारों से वो सही रास्ता तलाश करते हैं। इसब बिन सलीम हासिम से रवायत करते हैं कि उन्होंने इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम से पूछा, कुरान मजीद की सूरा 16 आयत 16 के बारे में, और झंडे और सितारों से वो सही रास्ता पाते हैं। इमाम जफर सादिक अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सितारा है और इमाम परचम के हैं। किताब का नाम उसूल काफी, पहला एडिशन, सफ़ा 207। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गदीर खम का दिन मेरी उम्मत की बेहतरीन ईद है। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने भाई अली इब्न अबू तालिब को अपनी उम्मत का परचम और मैयार करार दूं। मेरे बाद लोग उसके ज़रिया हिदायत पाएंगे, और ये वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल किया और मेरी उम्मत पर नेमतें मुकम्मल कीं, और जिस पर इस्लाम को उनका दीन होने पर राज़ी किया। किताब का नाम इल्लामाली, अलसुदूक, सफ़ा 125, हदीस 8। अल्लाह कुरान की सूरा 55 आयत 24 से 25 में फरमाता है, और समंदर में झंडों की तरह ऊंचे कश्तियां इसी की हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। खरबों आसमानी अजसाम कायनात के अजीम समंदर में बुलंद बहरी जहाज़ों की तरह तीर रहे। मुंदरजा बाला कुरानी आयत में अल्लाह ताला ने सरबुलंद कूल्हों, आसमानी जिस्मों और झंडों को अपने साथ जोड़ा है। इन जिस्मों में से एक चांद है, कायनात के समंदर में झंडे की तरह एक बुलंद बहरी जहाज़। अल्लाह ने अपना झंडा और मैयार कहाँ रखा ताकि तमाम मखलूक इसे देख सके। यकीन के साथ ये कहा जा सकता है कि चांद की जगह और परचम पर मौजूद नाम इमाम अली इब्न अबू तालिब का था। चांद पर अली का निशान अल्लाह का झंडा है जिसके नीचे तमाम इंसान मुत्तहिद हो सकते हैं। तमाम बनी नौ इंसान को शिया मज़हब के झंडे तले इकट्ठा होना चाहिए और एक आलमी निज़ाम कायम करना चाहिए ताकि सुलह और अमन कायम हो सके। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा लफ्ज़ी तरतीब पैदा करने के लिए दुनिया को अल्लाह के मुकर्रर करदा लीडर की ज़रूरत है। इसलिए चांद पर अली का नाम अल्लाह की तरफ से मुस्तकबिल करीब में ऐसे लीडर के आने की निशानी है। इमाम मेहदी की ज़हूर उनकी पर्दापोशी से, बनी नौ इंसान के नजात दहिंदा, जिस इंसान के बारे में तमाम मज़ाहिब ने पेशीन गोई की है, एक इलाही रहनुमा जो ज़मीन को अमन और इंसाफ से भर देगा। चांद पर अली का नाम इमाम अली अलैहि अस्सलाम के शियों की अजीम फ़तह है। शिया दुश्मनों के चेहरों पर फ़तह का झंडा चमक रहा है। कुरान की सूरा 6 आयत 4-5, और उनके पास उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी नहीं आती मगर ये कि वो इससे मुंह मोड़ लें, बस उन्होंने हक को झुठलाया जब वो उनके पास आया, बस जिस चीज़ का उन्होंने मजाक उड़ाया उसकी हकीकत उन पर चमकेगी। शैतान और उसकी जमात के लिए ये पुरअमन पुरसरार चमकता हुआ चांद कैसा जहन्नम बना हुआ है। चांद पर अली का नाम हर इंसान पर चमक रहा है जो उन्हें सही रास्ता बता रहा है। और इसलिए सूरे काफी में हदीस है, हमारी सैकड़ों साल पुरानी किताब असूल काफी, उसमें रिसालत की हदीस
इमाम अलैहि सलाम की जुबान से का फरमाया इन अल्लाह तबारक व तआला नसब अलियन अलमन बैनहु व बैन खल्कहि, के यकीनन खुदा ने अली को अपने और मखलूकात के दरमियान अपनी पार्टी का अलम करार दिया है, अलम करार दिया है। जब रसूल ने गदीर में उठाया था, अली को मौला बनाया था। अब मुझे बताएं कि उस अली मौला का अलम जो है वो खुदा इस जमीन के लिए किधर लगाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने भाई। उनको अल्लाह ने अपने फजल से अता किया है। देखें चांद पर कितने साल हो गए, हम कहानियां सुनते चांद पे बुढ़िया रहती है। यूरोप में लिखा फेस इन द मून, चेहरा है चांद के ऊपर। कोई कह दे चांद के ऊपर टेढ़ी मेढ़ी लकीर लगी हुई है, कोई कुछ कह दे, कहा गोहर शाही है यहाँ की, किसने कहा उसकी तस्वीर है। सारी दुनिया ने मान लिया, इंसानियत का मिजाज है ऐसा कि जो भी बेमकसद बात हो उसे मान लेते, कि जो बेमकसद बात हो उसे मान लेते हैं, लेकिन जहां पे मकसद नजर आए उसको मानने से रुक जाते। क्यों? क्योंकि वहां जहां मकसद है वहां फजल है, जहां फजल है वहां हसद है। वाह वाह वाह, या अली या क्या कहने वाला ना, सुभान अल्लाह। जहां जहां फजल है वहां हसद है, वहां हसद है। भाई देखें कोई ये फजीलत भी अली को मिल गई, या अली या अली। भाई ये फजीलत भी अली को मिल गई। मुझे हैरानी है कि मुसलमान अली का नाम लेने से क्यों घबराता है। अली आए तो इस्लाम आया, अली ने आंख खोली तो हिकमत के दर खुले, अली बोले तो कुरान को जुबान मिली, अली ने हाथ उठाया तो अदालत को मीजान मिली, अली चले तो तौहीद के चराग चले, अली ने अली बड़े तो कुफर की जुल्मत भागी, अली सोए तो रिसालत की किस्मत जागी, अरे बिस्तर पे कदम तो नफसुल्ला बने, खैबर में अलम तो यदुल्ला बने, मंजरे कौसैन पे नजर तो ऐनुल्ला बने। कौसैन अली के किनारे, कौनैन अली के सहारे, बिगड़े तकदीर इस्लाम तो रिसालत अली को पुकारे, अरे तुम किस इस्लाम में चल पड़े प्यारे, अली को छोड़कर किनारे किनारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अदा कीजिए अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर अदा कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। जहां जहां तौहीद की इबादियत है वहां वहां अली की विलायत है, जहां तक रसूल की रिसालत है वहां वहां अली की खिलाफत है, जहां इस्लाम का इक्तदार है वहां अली की हिदायत है। अरे तुम अली का नाम क्यों नहीं लेते, क्या शिकायत है। अली का नाम लेना मोमिनों की इबादत है, अली का नाम लेना मुजाहिदों की आदत है। क्या कहने, नाम अली मुश्किल कुशा है ये जिब्रील जानता है, अली का नाम जीत की अलामत है कौमी टीम मानती है, अली का नाम फतह की जमानत है पाक फौज जानती है, सारा जहां अली से, सारा जहां पढ़ रहा है अली से, सारा समाज चल रहा है, हर दम अली अली है, हर कदम अली अली है, नगर नगर अली है, गली गली अली है, पहले जमीन पर भी अली अली था, आज चांद पर भी अली अली। नारे हैदरी, चमन चमन गली गली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। भाई ये हर मकाम पर कायनात में अली इसलिए है, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युक्ति है मैं ये शाह, ये अल्लाह का फजल है
जिसे चाहता है देता। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम 62वें सूरतुल जुम्मा की 5वीं आयत है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह कैसा है, वो अजीम फजल वाला है। अब जिसे रब्बे कायनात अजीम कहे, कितना बड़ा फजल होगा। रब्बे कायनात की अजमत का तकाजा है कि जिस फजल को अजीम कहे, उस फजल का तासुर कायनात में हर मकाम पर नजर आए। उस फजल का तासुर कायनात में हर मकाम पर नजर आए। इसलिए हर जगह अली अली है कि अल्लाह और रसूल ने चाहा है कि अली अली हो। इतना बड़े खुदा ने वो बनाया। अब मौला अली अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रखिएगा, मशारिकुल अनवार बहुत मशहूर किताब है, उसमें एक मर्तबा खुतबा दिया है मौला अली अलैहिस्सलाम ने मशारिकुल अनवार में। और एक खुतबा जो मौला का है वो तालिब जोहरी साहब ने अपनी जो किताब लिखी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक, उसमें खुतबा इफ्तिखारिया का हवाला दिया है। उसमें बिल्कुल ऐसी ही कैफियत है खुतबा इफ्तिखारिया में, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आखिरी हिस्सा दिया ज़हूर महदी अलैहिस्सलाम की जो अलामत है उनके मुतालिक। सलावत पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वा आलि मुहम्मद। अब मौला अली अलैहिस्सलाम से सलमान और बूज़र ने पूछा है, रिवायत शिया रिवायत है सलमान और बूज़र ने, तो मौला अली अलैहिस्सलाम, लंबी बात है आखिरी हिस्सा पेश कर रहा हूं, कहा या सलमान अना अबू कुल्ले मुमिन व मुमिना, ऐ सलमान मैं हर मोमिन और मोमिना का बाप हूं। या अली या अना तामतुल कुबरा, अरे मैं वो सबसे बड़ी, ये कयामत के नाम है, मैं सबसे ज्यादा बड़ा गिरा देने वाला हूं, फना कर देने वाला। अनल हाका तो अनल कारिया तो अनल गाशिया, अरे मैं ही हूं हाका, मैं ही हूं अलकारिया, मैं ही हूं अलगाशिया। अल्लाहु अकबर। अनल मुमतहनतुन नाजिला, मैं अली हूं जो नाजिल होने वाला इम्तिहान हूं। और कहा वह नहनो आयातो व दलालातो वल हुजब वल वजहुल्ला, और ए सलमान अबूजर हम अहले बैत हैं कि जो अल्लाह की आयात है, जात की दलीलें हैं, अल्लाह के हिजाब है, अल्लाह के तारफ की वजह। बात खत्म नहीं हुई, आयत रिवायत जारी है। एक मर्तबा मौला ने झूम के सलमान की तरफ देखा और इस मकाम के कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर इन्नी कोतबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर, यकीनन ऐ सलमान जब मैंने अपना नाम अर्श पे लिखा तो वो कायम हुआ। वह अल समाए फकामत, आसमानों पर लिखा तो वो खड़े हो गए। वह अल अर्ज फरशत, और जब जमीन पर लिखा तो बिछ गई। वह अल जिबाल फरसत, मेरा नाम पहाड़ों पर लिखा तो वह जमीन में गड़ गए। अल्लाहु अकबर। वह अल रीह फजरत, और जब हवा पे लिखा वो चलने लगी। वह अनल बर के फलामा, जब बिजली पर लिखा वो चमक उठी। अल्लाह, ये अली का नाम है, जब बिजली पर लिखा तो वो चमक उठी। वह अलग दर के फम आ, बारिश के कतरों पर लिखा तो वो गिरने लगे। वह अलग नूर फसता, और जब नूर पर लिखा वो रोशन हो गया। वह अलग सहाबे, और वह फदमा, जब बादलों पर लिखा वो बरसने लगे। वह अलग रादे फखचा, मेरा नाम जब बिजली की कड़क पर लिखा गया वो खजू खजू से गिड़गिड़ाने लगी। वह अलग लैले फदुजा वह असलमा, और जब रात पर लिखा तो वो तार काली हो गई, तारीख हो गई। वह अलन नहारे व नारा व तबस्समा, और जब दिन पर लिखा मेरा नाम तो वो रोशन हुआ, मुस्कुरा उठा। अब बताओ कायनात की, जब हर चीज पर मौला अली का नाम है, तो अगर चांद पर एक वाहिद चीज है जिस पर अली का नाम नहीं होगा, सिर्फ एक चांद रह गया जिस पर नहीं होना। हर चीज पर मौला अली का नाम है, तो सिर्फ चांद रह गया। मौला ने कहां पे कहा कि मेरा नाम चांद पर नहीं होगा। हर चीज पर मौला अली का नाम है। की बात थी,
ثقافت کی اب آپ کی شریعت کی بات ہے کہ بھئیہ تہذیب و ثقافت تو جڑی ہوئی ہے چاند سورج سے ستاروں سے آفتاب سے بروج سے لیکن آپ کی شریعت بھی خارج نہیں ہے چاند سورج سے بغیر اس کے ایک قدم شریعت اور فقہ نہیں چڑھ سکتی لڑکھڑا کے گر جائے گی اس لیے کہ سورج سے تشبیہ دی قرآن میں اللہ نے نبی کو چاند سے تشبیہ دی امام کو علی کو اور نبی نے اپنا پورا دین علی کے حوالے کر دیا یعنی سورج نے اپنے حقوق چاند کو دے دیے اب قیامت تک شریعت سورج سے نہیں چلے گی چاند سے چلے گی کیا وعدہ کر رہے ہیں آپ جیسی وعدہ کرنی چاہیے اس لیے کہ آپ اتنے سننے میں اتنے مزے میں محو ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اجر دینا آپ بھول جاتے ہیں کون سنائے گا آپ کو یہ باتیں شریعت سورج سے نہیں چل رہی شریعت چاند سے چل رہی ہے اگر چاند نہ نکلے تو عید نہیں ہوتی چاند نہ نکلے تو رمضان نہیں ہوتا ارے اگر آج نہ نکلے تو عید میلاد النبی گیا چاند نکلے تو توحید کا کام ہو چاند نکلے تو اول توحید دوسرے روزے واجب روزے رکھے نہیں جا سکتے جب تک چاند نہ ہو روزے بھی چاند اگر چاند نہ ہو تو زکات واجب نہیں ہوتی چاند نہ نکلے تو جہاد نہیں ہوتا چاند نہ نکلے تو خمس نہیں ملتا اور کوئی یہ پوچھے تم تو کہتے ہو بارہ امام چاند تو ایک احمق چاند تو ایک ہی ہے لیکن سال میں بارہ بار چڑھتا ہے اول انا محمد آخر انا محمد واسط وکل انا محمد چاند ایک ہی ہے محمد ایک ہے کبھی علی بن کے آیا کبھی حسن بن کے آیا کبھی حسین بن کے آیا ہاں شریعت جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے اس لیے کہہ دیا جنتری نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ آج چاند جو ہے تین دن تحت شعاع اور عقرب میں رہے گا کیا مطلب ہے یہ سورج کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی نہیں صاحب سورج تو بادشاہ ہے اس کے پیچھے عقرب نہیں لگ سکتا لیکن چاند کے پیچھے عقرب لگائے وہ بھی تین عقرب پیچھے لگے یہ کیا ہوا سورج نکلا سورج نکلا سب چیزیں نمایاں ہو گئیں ادھر سورج ڈوبا اور جیسے ہی چاند نکلا سب نکل پڑے چور بھی نکل پڑے سانپ بھی نکل پڑا بچھو بھی نکل حشرات الارض کیڑے رینگنے لگے پتہ چلا جب چاند کا دور آتا ہے تو سب کل بلانے لگتے ہیں تو بھائی سورج کا دور ختم ہوا چاند کا دور قیامت تک جا رہا ہے آپ کی شریعت سورج سے نہیں جڑی ہوئی ہے چاند سے جڑی ہوئی ہے اور غالب نے یہی کہا کہ سورج کے بعد آپ کو چاند کو ماننا ہے چاند کو ماننا ہے تو چاند جو ہیں وہ علی علی رضوی is author of book titled The sign on moon has been revealed, Islam will take over the world. The book titled The sign on moon has been revealed, Islam will take over the world can be downloaded from www.alinameonmoon.com.